हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध तपोस्थली शातलाई में आज से चैत्र मेले झंडा चढ़ाने की रस्म के साथ बड़ी ही धूमधाम से शुरू हो गए हैं। हालांकि चैत्र मेले को लेकर बाबा बालकनाथ की तपोस्थली में भी प्रशासन और पुलिस ने व्यापक व्यवस्था की है। ये मेला एक महीने तक चलता है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली और अन्य प्रदेशों से बाबा के दर्शनों के लिए पहुँचते हैं। हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध तपोस्थली शातलाई में चैत्र मेले झंडा चढ़ाने की रस्म के साथ बड़ी ही धूमधाम से शुरू हो गए। हालांकि चैत्र मेले को लेकर बाबा बालकनाथ की तपोस्थली में भी प्रशासन और पुलिस ने व्यापक व्यवस्था की है। ये मेला एक महीने तक चलता है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली और अन्य प्रदेशों से बाबा के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। बाबा का ये मंदिर जिला बिलासपुर के शातलाई में स्थित है। कहा जाता है कि यहां पर सिद्ध बाबा बालकनाथ ने अपनी तपस्या की थी और यहां पर ही उन्होंने माता रत्नों की मक्की की रोटी और लस्सी वापिस की थी। ये मंदिर बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है और यहाँ जो भी श्रद्धालु दर्शन करते हैं बाबा बालकनाथ उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। पूरे देश पर कोरोना का खतरा मंडरा रहा है पूरे देश में, लेकिन जिला दीश बिलासपुर राजेश्वर गोयल का कहना है कि मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु पूरे बंदोबस्त किए गए हैं। कोरोना वायरस के चलते साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया और चैत्र मेलों के दौरान प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। हम सम्मेलन वगैरह ना करें, बहुत ज्यादा बड़ी गैदरिंग्स ना करें। आप देख रहे हैं जितने भी गवर्नमेंट के भी शेड्यूल थे वो भी सारी पोस्टपोन हो रही हैं, तो ये भी एक मैं अपील करना चाहूँगा। और हमारे जो मेले जैसे चैत्र नवरात्र का तलाई में हो रहा है, तो वहाँ पर भी हमने जो हमारा टेम्पल ट्रस्ट है या हमारे जो स्थानीय अधिकारी हैं, चाहे नगर परिषद है वहाँ पर, नगर पंचायत है या हमारे प्रशासनिक अधिकारी, उनको भी ये निर्देश दिए गए हैं कि पूरी एहतियात उसमें बरतें। ऐसा है जी, यहाँ पर बाबा जी ने 12 वर्ष की लस्सी रोटियाँ दिखाई थी महारत्नों को और गाय चलाते थे यहाँ पर नीचे गुरना गाड़ी मंदिर में। और उसके बाद जब 12 साल पूरे हो गए तो बाबा जी ने महारत्नों को 12 वर्ष की रोटी लस्सी दिखाई। महारत्नों ने उनको ताना मारा कि मैंने आपको 12 साल लस्सी रोटी खिलाई। बाबा जी कहने का मैंने आपका कुछ नहीं खाया, आपकी रोटी और लस्सी यहाँ की यहाँ दी। वही अंदर लस्सी वाला स्थान है, रोटियों वाला स्थान है, ये सामने तपस्या स्थान है और नीचे गुरना जाड़ी मंदिर। आज से 14 मार्च से संक्रांत के दिन चैत्र मास का मेला हमारा शुभारंभ हुआ, जिसका झंडा रसम का शुभारंभ हुआ, जिसमें हमारे मंदिर न्यास के सभी न्यासियों ने भाग लिया। उसमें विगत कई वर्षों से हमने जो झंडा रसम चलता आ रहा है उसमें सभी ने भाग लिया और सभी श्रद्धालुओं ने उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। हमारे जो 5 सेक्टरों में मेला सेक्टर जो बांटा गया है उसमें सभी जगह पुख्ता इंतजाम किए हैं मंदिर न्यास की तरफ से, जिसमें के हमारे बाहर से आए हुए श्रद्धालुओं के लिए पार्किंग की व्यवस्था होगी, लंगर की व्यवस्था होगी और हमारे अस्पताल में मुख्य रूप से चिकित्सा की व्यवस्था की गई है मंदिर न्यास के द्वारा। सभी श्रद्धालुओं से मेरा यही अनुरोध रहेगा कि वो शांतिपूर्वक इस मेले को संपन्न बनाने में हमारा मंदिर न्यास का सहयोग करेंगे। इसलिए मैं सभी श्रद्धालुओं को इस आज से चैत्र मास के संक्रांत के दिन सभी श्रद्धालुओं को इस झंडा रस्म की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय बाबा जी।